हाय एवरीवन, तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल प्रॉपरली आप बबल कर सकते हो। बबलिंग करने का यानी कि ओएमआर शीट फिल करने का करेक्ट तरीका क्या होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, जेल पेन नहीं यूज करना है। और पेन जो आप लेके जाओगे सेंटर पे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको सेंटर पे भी पेन प्रोवाइड किया जाएगा। ब्लू पेन लेके जाना, वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले ऊपर है रोल नंबर। रोल नंबर चलो मैं फिल करती हूँ। 2120317 60। ठीक है, अब 2 के नीचे मैंने क्या करना है, बबल बना देना है। यहाँ पे 1 के नीचे क्या करना है, बबल बना देना है। 0 3 1 4 7 6 0। ठीक है, इस तरीके से बबलिंग करनी आपको रोल नंबर की। टेस्ट बुकलेट नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा, तो उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे लिखा। सेम रोल नंबर की तरह हमें टेस्ट बुकलेट नंबर को भी बबल करना है। 1 के नीचे 1 को, 2 के नीचे 2 को, 3 के नीचे 3 को, 4 के नीचे 4 को, 5 6 एंड 7। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना आप कि हमेशा बबलिंग सही तरीके से होनी चाहिए। बबलिंग कैसे करते हैं हम? बबलिंग करने के लिए हमें जो आउटलाइन दिख रहा है ना, आउटलाइन के अंदर हम फिल करते हैं, है ना। अगर आप बबलिंग इस तरीके से कर रहे हो कि बाहर ऐसे हो रहा है ना, पूरी तरीके से फिल नहीं हो रही है आपकी बबल, वो बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप सिर्फ एक टिक मार्क लगा के छोड़ दे रहे हो, वो भी गलत तरीका है। अगर आप एक डॉट बस बना दे रहे हो, ये भी गलत तरीका है। तो इस तरीके से कभी भी आपको बबलिंग नहीं करनी है, अदरवाइज आप सारे सवाल सही भी बना के आ जाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद आप नीचे के जो डिटेल्स है, जैसे कैंडिडेट नेम, अपना नाम यहाँ पे लिखना है रनिंग हैंड राइटिंग में। रनिंग हैंड राइटिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप एक बार में बिना पेन उठाए हुए अपना नाम लिखोगे। फिर यहाँ पे मदर्स नेम लिख लेना, ए बी सी जो भी है। इसके बाद फादर्स नेम लिख देना, एक्स वाई जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, जो कि आपको स्टैंप प्रोवाइड किया जाएगा इनविजिलेटर के द्वारा, और यहाँ पे इनविजिलेटर का साइन विथ टाइम होगा। तो आपके काम की ये चीज यहाँ पे नहीं है, ये आपके काम की है और ये आपको इनविजिलेटर इसमें हेल्प कर देंगे। ठीक है, अब आती है हमारे क्वेश्चन की बारी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 50, मैं डोमेन की बात कर रही हूँ, आपको डोमेन या लैंग्वेज दोनों की आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप पूरा बबल करके आ रहे हो 50 में से 50, तो आपके लास्ट के यानी कि लास्ट के क्या है, 46 से लेके 50 तक वाले कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो पूरा बबल मत करना, 45 अगर आता है आपको तो 45 बबल करना है आपको। अगर मान लो 45 से कम आते हैं आपको तो उसे कम बबल करोगे चलेगा, लेकिन 45 से ज्यादा बबल करोगे तो आपके लास्ट वाले, चाहे लास्ट वाले सही ही क्यों ना हो बच्चे, लास्ट वाले कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अब 1 में मान लो 1 का आंसर आपने सोचा है कि 3 होगा, तो 3 को अच्छे से बबल करो। 2 का आपने सोचा 1 होगा, तो 1 को बिल्कुल अच्छे से बबल करो। फिर आपने 4 का 3 का सोचा कि 3 होगा, तो इसको अच्छे से बबल करो। 4 के लिए आपने सोचा कि इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ठीक है, तो 4 को बबल नहीं करना है, उसको रहने देना है। फिर आपने सोचा 5 का 1 होगा, तो 5 के 1 को अच्छे से बबल करो। आप 5 में 1 को अच्छे से बबल करो। आपने सोचा 6 अटेम्प्ट नहीं करूंगा, है ना, तो 6 को खाली छोड़ देना है। 7 का आपने सोचा 4 होगा, तो 4 को अच्छे से बबल करो। 8 का आपने सोचा 3 होगा, तो 3 को अच्छे से बबल करो। ध्यान से देख देख के बबल करना, ऐसा नहीं कि आप 8 का बबल करने जा रहे हो और बबल 9 वाले का कर दे रहे हो। ठीक है, ओएमआर शीट को किस तरीके से फिल करना है ताकि आपकी गलतियां बिल्कुल ना हो, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। मैंने अपनी लाइफ में 60 से ज्यादा ओएमआर शीट को फिल कर रखा है, तो मुझे पूरा आइडिया है कि किस तरीके से आप ओएमआर शीट को फिल करोगे तो आपकी गलती बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो उस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगी, उसको जाके जरूर देखना। आसान है प्रोसेस, लेकिन आपका फोकस चाहिए रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को जाके जरूर देखना जो मैंने ओएमआर शीट के ऊपर बनाई है। और ये वाली ओएमआर शीट चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी अटैच कर दिया, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना व्हाट्सएप चैनल से। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कोई भी डाउट होगा ना उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।